है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो कल जहाँ से ब्लॉग एंड किया था वहीं से ही स्टार्टेड है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का है जहाँ पे भाभी की दवाई चल रही है सीतापुर में। देख सकते हो कितना मरीज़ बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पे जिनके बेबी होने को होता है, प्रेगनेंसी वाली लेडीज सारी आती हैं, तो यहाँ पे भाभी की दवाई हम लेने आ रहे थे, आते हैं काफ़ी टाइम से। तो दवाई हमने ले ली है, शाम का हो गया है, 7 बजे हम लोग सीतापुर से निकले हैं, 8:30 के आसपास हम लोग घर पहुँचे हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए। चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ गाइस। ब्लॉग अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये हमारे सीतापुर का चर्च है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी हम आपको। तो गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा दिन हो गया है, हालत देख सकते हो सभी की ख़राब हो गई है, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और बहुत लेट में भाभी का नंबर आया था। पूजा का भी चेहरा उतरा हुआ है, हम सभी का चेहरा उतरा ही उतरा है। तो कोई ना, मेरे तो बैठे बैठे पैर इतनी स्वेलिंग आ गई है, घर जाके मैंने देखा अपने पैरों की हालत तो मैं ही दंग रह गई कि ये देखो इतने ये सॉइलिंग पैरों में हो गई है ना, कि मैं पैर सही से उठा के रख नहीं पा रही थी। और इसमें इतना नहीं दिख रहा है लेकिन पैर मेरे बहुत मोटे हो गए, जो ये काला वाला धागा है ना ये बहुत टाइट सा हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो बनी रही है। मॉर्निंग में मटर बनने जा रहे थे तो मम्मी ने बोला कि बना दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना रही हूँ। तो इनको वाइल कर लिया गया था, एक रात को भिगो के रख दिया था, फिर वाइल कर दिया था इनको। वाइल करने के बाद मैंने इनको निकाला है, मुझे लगा मम्मा ने बोला है कि थोड़े ही बनाना, और मैंने थोड़े से कुकर में बचा के रख दिए और थोड़े से निकालने से शायद सब्जी भी बनने को होगी, लेकिन सारे के सारे मटर ही बनने को थे, लेकिन मैं थोड़े ही बनाने बैठ गई। तो यहाँ पे इनको अच्छे से पहले हम बराबर कर लेंगे, जो खड़े खड़े से दिख रहे हैं ना ये अच्छे नहीं लगते हैं खाने में, इनको ऐसे मैच कर देंगे इसी चिमची से ही। और इसमें डालेंगे हम क्या डालेंगे बताइए आप लोग, पिसा हुआ लाल जो मिर्च है, धनिया पाउडर, धनिया, खड़ी हुई धनिया को मतलब भून लिया गया था, सारे खड़े मसाले वो इसमें जाएंगे, यानी कि खड़ी हुई धनिया और खड़े हुए लाल मिर्च वही जाएंगे इसमें। और इसमें जाएगी चीनी, नमक और खटाई पाउडर, इतनी चीज़ें डाल दो और बहुत ही टेस्टी हमारे बन जाते। तो टेस्टी टेस्टी बन जाएंगे हमारे मटर। और मेरी फुल बॉडी में स्वेलिंग आ गई है सुबह जब मैं उठी हूँ सो के, और बाहर की आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि आज मैं नीचे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, छत पे मेरा रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए सभी लोग नीचे हैं और इसीलिए शोर शराबा हो रहा है। तो यहाँ पे अभी तो हम मैच ही कर रहे हैं बराबर, तो चलिए पहले इनको मैच कर लेते हैं उसके बाद। Oh,
फिर यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखा था और हरी लाल मिर्च, सॉरी हरी, हाँ हरी मिर्च और प्याज ये मैंने डाल दिया है। तो मम्मी ने बोला कि तुमने इतने कम बनाए हैं, इतने में काम चलने वाला नहीं है, तो जो कुछ इसमें रखा हुआ था कुकर में वो भी फिर बन जाएगा, पूरे के पूरे ये बन जाएंगे हमारे आज का मटर। तो हम इनको चेक कर रहे थे, फिर मैं चोटी बनाने जा रही थी, बाल मेरे काफ़ी उलझ गए थे। तो यहाँ पे पूजा से बात करते करते मैं अपना काम कर रही थी और ब्लॉग भी शूट हो रहा था, और अचानक से अनिका रोने लग गई। उनको पता नहीं चींटे ने काटा या चींटी ने काटा, या क्योंकि बरसात का मौसम है, ये बाहर वही नल के पास खेल रही थी और काट लिया, तो ये भी बहुत तेज़ से चिल्लाते हुए आएगी। मैं भी डर गई, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या बिट्टू को काट लिया जो इतनी तेज़ से रोने लगी है। अभी आप लोग खुद ही देख लेना, ये देखो बाहर गई, उधर से रोते हुए आएगी। अभी मैं तो इतना डर गई कि पता नहीं क्या काट लिया इसको, इतनी तेज़ से रोने लगी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि काटा क्या है। और फिर बताया कि मम्मा मुझे चींटे ने काटा है, और चींटा जब काटता है ना तो बहुत, सच में बहुत दर्द होता है। बचपन में हम लोगों को चींटे ना ऐसे लिपट से जाते थे पैरों में, और वही हो गया अनिका के साथ में। तो अभी देखिए आप लोग, रोने लगी। चेटे ने काट लिया। चेटे में पैर क्यों रख दिया? देख नहीं पा रही थी, इतनी मोटी मोटी आंखें फिर भी नहीं दिखा। ओ चंपाई भाई, ओ चंपाई, ओ चंपाई भाई, ओ चंपाई, ओ चंपाई भाई, ओ चंपाई सर घड़ी चिराई। मैं तो बहुत डर गई थी कि अचानक से हुआ क्या, इतनी तेज़ से वो रोने लगी, लेकिन खैर चींटे ने ही काटा था, चींटे ने इसको काट लिया था। बरसात के चींटे ना ये बहुत तेज़ से लिपट जाते हैं पैरों में, और तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ, और तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, नहीं तो पूरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, कुछ मन भी नहीं करता है। भाभी जा रही थी कुछ काम करने के लिए, पूजा उधर पानी भर रही थी, यही सारे काम हो रहे थे हमारे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फिर शाम को पापा यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, टीन टीन को मतलब डाला है इस साइड, हम वीडियो शूट करना भूल गए। मेरे पापा टीन भी डाल लेते हैं, पता है ये जितनी पूरी ये छत पे पड़ी हुई है ना, ये पापा ने ही डाली है, भाई ने, भाई देखो टीन वाली छत पे बैठा है। तो टीन को सेट किया जा रहा है इधर से, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लटक गई थी है ना, क्योंकि इसके नीचे बक्सा वगैरह है तो भीग रहा था, इसलिए पापा टीन लेके आए हैं और इसको डाल रहे हैं। तो यही काम चल रहा है, बहुत मेहनत करते हैं मेरे पापा, सच में सारे काम कर लेते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो कर नहीं पाते हैं। तो ये इनको अब कस देंगे, जो भी जिस चीज़ से कसते हैं उससे कस देंगे, बस टीन हमारी आंधी या उसमें उड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सेट हो जाएगी इसी में है ना। तो हमारी छत और बड़ी हो गई टीन वाली, इधर अब कोई भी सामान भीगने वाला नहीं बचेगा। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसी के साथ में अब हम ब्लॉग भी एंड ही करेंगे फ्रेंड।
तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा कैसा नहीं। अनिका ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया ऐसे रो के, बहुत रोया मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा रोया था, है ना। फिर शाम का व्यू देख सकते हो कैसा है कैसा नहीं है, बहुत ही प्यारे बादल हो रखे हैं। और पता है मेरे मेरी ससुराल का इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा होगा, वहाँ का व्यू शाम का बहुत मस्त आ रहा होगा, मिस कर रही हूँ मैं वहाँ का व्यू। ये देखो हवाएं भी चलने लगी हैं। चलिए मैं इसी के साथ मैं फ्रेंड ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।